नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इतना ज़बरदस्त उपाय बताएंगे जो कि बिल्कुल आसान है, और दोस्तों इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों से संबंधित अड़चने नहीं आएगी। आप अगर कर्ज से परेशान हैं तो आपका कर्ज चूक जाएगा और आपको कर्ज से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आपके घर में पैसा नहीं आता है, तो निश्चित ही इस उपाय करने से निश्चित ही आपको इतनी सफलता मिलेगी कि आपके घर में सदा पैसों की आवक बनती रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है तंत्र शास्त्र का। दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी रविवार के दिन अगर आर्द्रा नक्षत्र आए तो उस दिन दोस्तों आपको एक अगरबत्ती लेकर और थोड़ा सा जेल लेकर आपको जाना है बेहड़े के वृक्ष के पास। और दोस्तों इसके बाद आप वहाँ जाकर अपने जो जेल लाया है वह बेहड़े की जड़ में डाल दे और वहाँ पर वो अगरबत्ती लगा दे। इसके बाद दोस्तों इसको आप एक प्रदक्षिणा करें, इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर आप अपनी सफलता के लिए उस वृक्ष से प्रार्थना करें। और दोस्तों इसके बाद आपको अपने घर लौट कर आना है और एक घंटे बाद जाकर फिर उस बेहड़े के वृक्ष की जो पूर्व की दिशा की ओर जड़ जाती है वह जड़ आपको अपने घर लेकर आना है। आपको थोड़ा सा टुकड़ा उसका काट कर अपने घर लाना है। इसके बाद दोस्तों इस जड़ के टुकड़े को आप घर में किसी पवित्र स्थान पर रख दे लाल कपड़े पर, इसकी विधिवत पूजा करें, लाल फूल से पूजा करें, वहाँ पर दीपक लगाए और धूप भी लगाए और नैवेद्य चढ़ाए। इसके बाद दोस्तों इस जड़ को आप अगर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं या फिर आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को अगर आप रखते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में जितनी भी पैसों से संबंधित परेशानी है, अगर आप पर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके घर में पैसों की आवक बढ़ेगी और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है तंत्र शास्त्र का, इसे एक बार करके अपने जीवन को आप खुशहाल ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के कंटेंट में अगर आप रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत